हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आप लोगों का एक बार फिर से सनोवर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा। इससे पहले हमने कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ लिया। जो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.2 अंश पर पड़ती है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और 23.2 अंश पर भूमध्य रेखा से दूरी पर है। तो आज हम देखेंगे भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा कौन कौन से देश जा रही है, और ये ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि वैसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ट्रिक से बहुत सरलता से याद है। एक दो बार वीडियो देख लोगे और कभी भूलोगे नहीं। देखो भूमध्य रेखा, तो सर्वप्रथम देखो ऑप्शन आपका ये बनता है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जा रही है। तो ये जाती है 13 देशों से। कितने देशों से? 13 देशों से। 13 देशों से। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो भूमध्य है। अब भू क्या होता है भाई? भूमि। जैसे हमने दूसरे वाले में देखा, पहले पहले अक्षर से बनाई थी ट्रिक, ऐसी इसके पहले अक्षर से बनाएंगे। तो भू से भूमि, भूमि। अब देखो भूमि, अब भूमि का क्या हुई, जब भूमि होती है किसी के पास तो उसका बंटवारा होता है, खासकर भाइयों भाइयों में अनिवार्य रूप से। अब बंटवारा होगा तो कभी झगड़ा हो जाता है भूमि के बंटवारे में, तो भाइयों भाइयों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब एक दूसरे को उन्होंने क्या पकड़ लिया? गिरेबान पकड़ लिया। और गिरेबान से क्या हो गया? गेवान। देखो है नहीं बहुत मजे की फनी वीडियो, बिल्कुल फनी ट्रिक। गिरेबान पकड़ लिया, फिर बाद में कोलम कोला हो गई, कोलम कोला था कोलंबिया। और जब कोलम कोला हो गई तो फिर क्या हो गया उनमें? बातचीत बंद, फिर बाती, फिर बाती, फिर बातचीत बंद हो गई तो फिर बाती देश आ गया। फिर जब बातें बंद हो गई तो एक दूसरे के लिए क्या हो गए? डोर बंद हो गए। एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद हो गए उनके, एक डोर। एक दूसरे के लिए क्या हो गए? दरवाजे बंद, फिर एक बेडोर। जब दरवाजे बंद हो गए और लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो क्या करेंगे? फिर मुकदमा होगा, कुछ जाएंगे पुलिस में या कोर्ट में, तो उसमें क्या होगा? पैसा खर्च होगा, माल खर्च होगा, अर्थात मालदीप। भाई माल क्या होगा? खर्च होगा। तो क्या आ गया माल से? मालदीप। और माल खर्च होगा तो क्या होंगे? वो कंगाल, अर्थात कांगो, कंगाल हो गए। और कांगो से ही कांगो गणराज्य है, दोनों से जा रही है। अब इसके बाद किसी ने पूछा, पड़ोसी ने, भाई इन दोनों भाइयों की हालत ऐसे कैसे हो गई थी, ये इतने गरीब कैसे हो गए, अर्थात ये कंगाल कैसे हो गए? तो लोगों ने बताया कि इन दोनों भाइयों में बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया। तो उसने कहा, ये कौन सी नई बात हुई है भाई, ये कौन सी नई बात हुई है, अर्थात केन्या। कौन सी नई बात? केन्या। क्योंकि ये तो युगो युगो से चला रहा, युगो युगो से मतलब युगांडा। अब जब युगो युगो से चला रहा कहा? सारी दुनिया में। ये तो बंटवारे का खेल भाई साहब, सारी दुनिया में चला रहा, युगो युगो से आ रहा, तो सारी दुनिया में, अर्थात साओ टोम। जब सारी दुनिया में चला रहा तो झगड़ने की क्या जरूरत है। अब बाद में उसने कहा, अगर इन दोनों ने, अर्थात इन दोनों ने झगड़ा नहीं किया होता, तो इन दोनों से मतलब इंडोनेशिया, झगड़ा नहीं किया होता तो इनका क्या था भाई? सारा माल सोमालिया, सारा माल सो मतलब सारा माल इन्हीं के पास होता। ब्राजील, जैसे पूरे संसार में क्या है, जल की मात्रा अधिक है 70% के आसपास, 71% के आसपास, उसी प्रकार से क्या है इनके पास? जल के समान, अर्थात ब्राजील के समान इनके पास क्या होती है? धन दौलत। देखो बहुत आसान है, एक बार और देख लो ट्रिक से बिल्कुल। भूमध्य रेखा कितने देशों से जाती है? 13 देशों से जाती है। एक बार अपने माइंड में से घुमा लोगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? भूमि ले लेने, भूमि के लिए बंटवारा होता तो भाइयों में आपस में गिरेबान पकड़ लेते हैं दूसरे का, फिर कोलम कोला हो जाती है कोलंबिया, फिर बातें बंद हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, फिर क्या होता है, एक डोर उनका दरवाजे बंद हो जाते हैं दूसरे के लिए, फिर क्या होता है, पुलिस में जाते हैं, माल खर्च होता है, अर्थात माल दे, जब खर्च होगा तो वो कंगाल हो गया, अर्थात कांगो, और कांगो गणराज्य। किसी ने पूछा ये क्यों इनकी हालत ऐसी हुई, तो इनमें क्या हो गया था? झगड़ा। तो भाई कौन सी नई बात हुई बंटवारे के लिए? तो अर्थात केन्या, ये तो चला रहा कब से? युगो युगो से चला रहा। युगांडा कहाँ? सारी दुनिया। तो साउटम, अगर इन दोनों में झगड़ा नहीं होता था इंडोनेशिया, तो इनका सारा धन था सामूल सोमालिया, ब्राजील मतलब जल के समान इनके पास क्या होता? धन होता। और ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से मकर रेखा भी जाती है, मकर रेखा, मकर एंड भूमध्य रेखा, दो रेखा जाती है यहां से निकलकर। ध्यान रखना कौन सा देश ऐसा जहां से कर्क
सॉरी मकर रेखा मध्य रेखा जाती है ब्राजील। देखो ठीक है नहीं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।